नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम आपको बताना चाहेंगे, महेशपुरा चौक में हैं और हम बीचों बीच इस समय रोड के खड़े हैं। रोड के खड़े होने का मतलब क्यों हम खड़े हैं, हम ये भी बताते हैं अपनी जनता को। ये देखिए, जहाँ पर एक तरफ गट्टू डोर का बैन है, अभी यहाँ पर हमारे कैमरामैन और मेरी खुद की गर्दन कटने वाली थी। यानी कि अभी भी लोगों को थोड़ा सा तो इंसानियत रखिए कि जिस चीज़ से दूसरों को, हम तो चलो बच गए, हम रुक गए यहाँ पर, और दो युवा हैं, उन्होंने इस डोर को साथ होके नीचे खींचा। यानी कितनी लंबी डोर है देखिए, और जिस तरह से हम आ रहे थे, आराम, नॉर्मल स्पीड थी, अगर नहीं ध्यान रहता तो गर्दन भी कट सकती थी। जिस तरह से ध्रुव शर्मा की गर्दन उस दिन कट गई थी, उसकी माता का हाथ भी कट गया था। ये अभी हम बता रहे हैं, हमारा मोटर बाइक भी यहाँ खड़ा, हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे, क्योंकि हम पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठाते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन पर तो सवाल उठाते हैं, पर खुद पर सवाल कब उठाएंगे कि क्या हमारी गलती नहीं, क्या हमारी कमियां नहीं, क्या समाज के लोगों की कमियां नहीं। अभी कुछ दिन पहले चंदन दत्ता, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं जनता को, अब सिविल सोसाइटी को, समाज को समझने की ज़रूरत है। मत कीजिए थोड़ी देर के, आप अपने शो के लिए, मज़े के लिए किसी की भी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। और आप देखते हैं जितने भी केसेस हुए, मोस्टली लोगों की गर्दनें ही कटी हैं, यानी कि सीधा सीधा मौत के घर में आप भेजते हैं। क्यों ये पाप लेते हैं? अगर हम समाज में, अपने देश में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो बुरा करने का भी समाज के लोगों के लिए बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्योंकि हम बीच रोड के खड़े थे, और अभी भी ये देखिए लोग, जो ये दो सरदार जी जा रहे थे, इन्होंने भी गर्दन नीचे की, क्योंकि डोर आ रही थी। और ये जो डोर का गुच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिला, बाई चांस हम जा रहे थे कवरेज के लिए, तो यहाँ पर जो ही पहुँचे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने मोटर बाइक रोक लिया। अगर वो ना रोकते, शायद वो भी ज़ख्मी हो जाते और हम भी ज़ख्मी हो जाते। तो खुद सोचिए, किसको दोषी कहते, खुद को या उन लोगों को जो खरीदते हैं या जो बेचते हैं? सबसे बड़ी बात है, हम बता रहे हैं, डोर, एक और डोर है, देखिए अभी तीन लोग निकले, चार लोग मोटर बाइक लेके, पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस डोर को खींच कर नीचे किया जाए ताकि किसी को नुकसान ना हो। ये देखिए, ये खींच रही है, हाँ खींचो, ये देखिए, ये गट्टू डोर है, ये किसी को भी, ये गट्टू डोर है, ये देखिए इतनी पतली है, ये देखिए आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमें, हमारा कर्तव्य बनता है। ये देखिए, आप देख लिया साफ तौर पर, हाथ हाथ मत काटना शुभम, आप हाथ मत काटना प्लीज़, ऐसे मत करो, ये गट्टू डोरे नहीं टूटेगी। ये देखिए, क्योंकि ये हम इसलिए खड़े हैं, हमारी तो गर्दन कटने के बच्ची पर, ये देखिए आप खुद देखिए कौन दोषी है, आप बताइए। ये हम बता रहे हैं आपको, वीडियो जर्नलिस्ट हमारे ये निकाल रहे हैं, इसको भी कहेंगे वीडियो, शुभम जी ध्यान से, क्योंकि नहीं कट रही है डोर, आपका हाथ भी कट सकता है। और देखिए कितनी तेज तीखी, अभी भी नहीं कटी है, ये देखिए आप, ये देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए, यानी रास्ते से लोग गुजर रहे हैं, किसी की भी गर्दन कट सकती थी। थोड़ा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा तो शर्म कीजिए कम से कम। अगर जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज का हिस्सा है, किसी को दुख देने का हमें अधिकार नहीं है। और ये हम आपको लाइव दृश्य से हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है, कहीं भी अगर इस तरह की चीज़ें देखें, इसको नकार कर मत बाहर जाइए, आगे निकलिए। ये देखिए, अभी हमने वहाँ से देखा, और इतनी पतली, इतनी मुश्किल से, ये देखिए अभी भी हम खींच रहे हैं, काफ़ी लंबी डोर है, ये देखिए। खुद सोचिए कितनों को नुकसान हो सकता था इस डोर से। ये वो डोर है जो गलती नहीं, जो सड़ती नहीं, यानी प्लास्टिक टाइप है। तो खुद सोचिए कि अगर प्लास्टिक, यही प्लास्टिक से कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हट रहे, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं अपने देश के लिए क्या हम अच्छा कदम उठा रहे हैं। ये चीज़ें सोचने वाली, अगर हर एक देशवासी, हर एक जम्मूवासी इन चीज़ों को समझिए कि अगर समाज में हम अच्छा नहीं तो गलत क्यों करेंगे। यानी ये देखिए, काफ़ी कब से हम लगे हैं डोर को लपेटने के लिए। अभी जो लोग गुजर रहे थे आपने देखा, वो लोग नीचे होकर जा रहे थे, पर किसी ने भी जहमत नहीं की कि उतर कर कम से कम इस डोर को लपेट कर साइड पे किया जाएगा। पर हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है अपनी जनता की कहीं ना कहीं सुरक्षा को ध्यान में रखना। कई लोग देखिए बिना हेलमेट के भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता था।
ये सच्ची देशभक्ति है कि हर कोई सतर्क रहे, हर कोई कोशिश कीजिए कि किसी को नुकसान ना हो। अगर आप कहीं देखते हैं किसी चीज़ की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो उसे ज़रूर रोकने की कोशिश कीजिए। इसीलिए ये चीज़ें सामने हमने आपको लाइव दिखाई क्योंकि हम पर खुद बीती है। अगर भगवान ना करे कोई हादसा, कोई अनहोनी हम दोनों के साथ हो जाती तो खुद सोचिए किस कौन कसूरवार, किसको बोलते। आप यही देखिए क्योंकि लाइव दिखाया हमने, तभी हमारा रुकने का मतलब ही था। हम यहाँ के SDPO राहुल नागर जी से भी यही निवेदन करेंगे कि खास करके रेशम घर एरिया में अभी ऑल ऑफ सडन दो बार ऐसा हुआ है, एक जाते हुए आके आते हुए, प्लीज़ इस एरिया में नज़र रखिए। यहाँ पर अभी भी गट्टू डोर्स बिक रही हैं या लोग ले रहे हैं, कहीं से लेकर आए अभी भी उसकी माध्यम से पतंगे उड़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एरिया के लोगों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो ज़रूर यहाँ पर नज़र रखिए क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है पर कहीं ना कहीं जनता से, समाज के लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो भी अपना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जब हम ऐसे अपनी जिम्मेदारी को हर एक व्यक्ति समझेगा तो कोई भी ऐसा हादसा नहीं होगा जिस तरह से ध्रुव शर्मा के साथ, उसके परिवार के साथ हुआ। 6 साल की उम्र थी ये। वो माता पिता वो गम वो दर्द जान सकते हैं, हम नहीं वो दर्द वो गम नहीं जान सकते, पर ये उम्मीद जरूर करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का हादसा किसी के साथ भी ना हो। अभी कुछ देर पहले आधार सूत्रों के आधार से पता चला एक लड़की की भी गर्दन को कट लगा है पुल के ऊपर डोर के साथ, पर भगवान का शुक्र है वो बच्ची बच गई। तो ये चीज़ें दिखाने का हमारा मकसद यही है कि जागी आप भी। हम कहते जागो ग्राहक जागो, पर इस बार कहेंगे जागो पब्लिक जागो, कि समाज को एक नई दिशा की ओर लेके जाना, समाज में कुछ अच्छा कर दिखाना है। अपनी थोड़ी सी मजा के लिए, अपने थोड़े से शौक के लिए किसी को जान का नुकसान देना या किसी की जान को खतरे में डालना कतई सही नहीं है। ये पूरा वीडियो आपने देखा, फिर से कहेंगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप जनता की दुआएं हैं कि हम लोग बच गए, नहीं तो आज हमारे कैमरामैन और हमारी गर्दन कटना बिल्कुल लाजमी था। और दो युवक उनको भी हम शुक्रिया करते हैं, जानते नहीं कौन थे कौन नहीं, वो निकल चुके, उन लोगों ने भी हमारी मदद की, रुककर डोर को निकाला क्योंकि हेलमेट के साथ भी यहाँ पर फंस गई थी, डोर को निकाल कर लपेट कर साइड पे फेंका उन युवकों ने, उनका भी शुक्रिया करते हैं क्योंकि अच्छे लोग भी समाज में हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं फेरना चाहिए। अभी भी हम आती दफ़ा जब आए हैं तो वहाँ पर फिर से देखा आपने कि किस तरह से डोर लटकी हुई थी, किसी को भी नुकसान कर सकती थी। इस वीडियो में आप अपने कमेंट्स, खास करके सुझाव ज़रूर दीजिए कि हम पुलिस पर तो सवाल करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन पर तो सवाल करते हैं, सवाल ये भी है क्या हम, क्या एक नागरिक होने के, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का कर्तव्य हम लोग निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।